ना रोना शुरू हो गया। नहीं मैं खा लेते हैं, गुस्सा जाने दे, भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 8:30 बज गए हैं। तो अभी मुँह भी सही से मैंने नहीं धोया, धोया ही नहीं है, सही वाली तो बात ही नहीं है। वैसा उठा हूँ और अम्मा ने कहा जल्दी करो, तैयारी करो, आपको पता है आज हमने जाना है लाहौर। एक और छोटा सा सरप्राइज भी है, वो क्या है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले इधर जो है ना हमारे कपड़ों का ना हशर नशर हुआ पड़ा है, हमने ना उठा सारे कपड़े लिए। वहां पे हमने ना एक सूट नहीं तब्दील होना, क्योंकि हमने दो दिन के बाद फिर वापस भागना है। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबे टाइम के लिए रह के, तो वो तो आगे जाके देखेंगे कितने दिन रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रह के आते हैं। बाकी फिलहाल जो है ना सबसे जरूरी काम है जी कपड़े पैक करना, जो कि मैंने बिल्कुल ना कितने बेतुके रखे हुए हैं। आज हम ना निकलेंगे तकरीबन 11:30 बजे तक, क्योंकि दिन के टाइम अभी भी हम निकल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं निकले क्योंकि ना मोटरवे पे होती है धुंध। अगले दिन हुआ है मोटरवे पे एक्सीडेंट, और तकरीबन यानी के 25-30 गाड़ियां लगी हैं एक पीछे एक, इतनी स्पीड होती है ना, एक पीछे से लगी फिर लाइन में लगती है, मतलब ना वो धुंध की वजह से लगी है। तो इस वजह से हमने कहा कि धुंध पहले सही से खत्म हो जाए। मजे की और सरप्राइज वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको बताता हूँ, वो ये थी कि ये जो है ना ये भी मुफ्त का साथ हमारे तैयार हो गया, बड़ी पालचा पुलचा मुंह पे रगड़ा के आ गया नाई से। तूने क्या करना जाके वहां यार? ना मैं एक जगह रह रहा है ना, इतने दिन हो गए थे ना, बहुत ज्यादा बोर हो गया, बस हो गई थी मेरी। मैंने कहा चले घूम फिर आते हैं। सारी रात सोचता रहा है, सुबह उठ के कहता है मैंने भी जाना है, सह नहीं सकता सब जाने में, तो एक ठीक है ना। हमारा प्लान पहले था कि सिर्फ अम्मा और मैं जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। सुबह ये भी जो जनाब तो टाइम से उठ के ना नाई के पास से ना कलर कुलर लगवा के आगे कहता मैंने भी जाना है। तो इसी वजह से ना ये सारे कपड़ों का रश हमारे ना बेड पे बढ़ गया। मैंने तो अपना बैग पैक कर दिया, मैंने सदाकत को कहा भाई अपना खुद कर, टाइम से तसल्ली के साथ कर, क्योंकि ना कपड़े कोई रह गया ना तो इसने मुझे उधर जाके पै जाना, उससे अच्छा खुद ही कर ले। और मैं अभी जो ना नहा लेता हूँ, मैंने ये कल के कपड़े पहने हुए, जर्सी भी मैंने रात को नहीं उतारी, इसी तरह से हो गया था। तो नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो ये वाली आज मैंने ड्रेसिंग की है, तो बताइएगा मैं किस तरह का लग रहा हूँ, तारीफ कीजिएगा। तो बाकी ताकत जो है इधर खाना खा के चला गया, और उसने इतना बड़ा सारा पैक कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो जा कितने दिन के लिए रहा, तो आपको ना हैरानी होगी। वैसे मेरी ना ये देखें ये मेरी आंखें ना बड़ी लाल लाल सी हो रही हैं, नींद पूरी नहीं हुई, इतना जल्दी उठा कभी नहीं हूँ। उठता तो हूँ लेकिन मैं मतलब नमाज पढ़ के फिर सो जाता था, तो आज ना आंखें लाल हो रही हैं। चले कोई नहीं, हो जाएंगे भी ठीक। तो बाकी स्टाकर ने भी अपना बड़ा सारा बैग पैक कर लिया, इसकी बाकी की स्टोरी आपको बाद में सुनाता हूँ। इधर मेरा पैक हुआ पड़ा, और ये एक मैंने ट्राउज़र वगैरह डाला इसमें रात को पहन के सोने के लिए, और इधर अम्मा जी के कपड़े सिरे हुए पड़े, और अम्मा जी ने भी अपने कपड़े मेरे खाने बैग में डाल लिए। तू क्या इधर सूंघ रहा है? छुप छुप बाग से लीमू तोड़ रहा। इधर जी आजकल लीमू बहुत ज्यादा लगे हुए हैं यार, ये तो अचानक से लग गए हैं ना। मतलब लगे तो हैं, पहले एक एक दो दो तीन तीन होते थे, अब देखें टाइम लगता है लगने। ये देखे मतलब बहुत ज्यादा, ये जब बड़ो हो जाना ना इतने ज्यादा हो जाने हैं इस पे। लगाया किसने था? मैंने। हाँ तो और किसने लगाया था? मैंने तसल्ली से लगाया। चलो इधर ये जो दूसरे वाला है इसके ऊपर भी काफी ज्यादा लगे हुए हैं, और वो आगे अमरूद है, अमरूद हमारे सदाबहार नहीं है, मतलब ना नॉर्मल वाले हैं जो एक मौसम में लगते हैं, इसलिए वो लग ही नहीं रहे, वो कहते हैं हम वैसे ही ठीक हैं। तो अभी कर लेता हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और सदाकत जो है वो करके चला गया नींबू तोड़ रहा था, और इधर मेरे लिए एज यूजुअल साग। मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मजाक में बनाइएगा, मेरा मतलब ना चौथा खाना है, ये निकल के तीन खाने और आज का एक खाना, चौथा खाना। अभी तक मैंने ना सिर्फ साग खाया, मतलब ना जबरा फैन हूँ साग का। फाइनली जो है ना सारे हो चुके हैं रेडी, और टाइम जो है ना 11 बजने में अभी बढ़े हैं जी 35 मिनट। इधर ये रहा साग का कुछ ऐसे, इधर अम्मा जी ने तो मैं कहता हूँ बम कर देती है। ये देखे जी क्या बात है, और इधर कुछ इस तरह का मैं हूँ, मैं सबसे सिंपल मैं लग रहा हूँ। हाँ कर लो कर लो। हाँ जी हाँ यार, मेरे ना मेरे शूज थोड़े से पता नहीं कैसे हैं, मुझे नहीं पता, पर आज सही से बताना है आपने ना। हाँ कितना बुरा लगने का लिहाज नहीं करना। आज गाड़ी के ऊपर कपड़ा था, गाड़ी बिल्कुल चमक रही है,
इसको मैंने कल सही से ना अंदर से इसकी ऐसी वॉशिंग करवाई है ना, मैं कहता हूँ ना पूछ वो ना इसकी चाबी भी जाके वहाँ पे ठीक करवानी है। हाँ चाहो, वो चाबी है किधर? चाबी उधर मेरे पास पड़ी है, मैं कल गाड़ी में ढूंढता रहा हूँ, गाड़ी में मैंने रखी थी। कल ये लाजमी ठीक करवा। मान जो है ना गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं, पता नहीं हम इतना ले के क्यों जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फीलिंग मिक्स। 25 मिनट हमारे पास रह गए 11 बजने में, तो हमने 11 बजे एग्जैक्ट यहाँ से निकलना है। सारा सामान सदाकत का, मेरे थोड़े से बस 2 सूट है, पता नहीं क्या 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 मेकअप का सामान साथ लेके जाता है, इसीलिए तो फिर ये आज कह रहा था कि मुकाबला हो जाए। और भी है अम्मा जी को सबसे ज्यादा जो फिक्र लगी हुई है ना इन चीजों की, ये देखें ये सारी चीजें, बड़ी फिक्र है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब हमने निकलना है और अब्बा जी को भी मिल लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं। पता नहीं वो कहते हैं ना जिंदगी जितनी हो, बंदा जहाँ एक आधे घंटे के लिए भी जाए ना तो घर मिल के जाया करें। ठीक है अब्बा जी, अल्लाह हाफिज़। मीठा खावन तो परहेज करना है, असि जाते तो कुछ लोग लोग के खा भी नहीं रखना। कल अब्बा जी 3 किलो गुड़ लेके आए, पीछे से गुड़ ना शुरू कर, गुड़ वाली चाय बना के दे। अभी हम निकलते हैं, ठीक है अब्बा जी, ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, अच्छा भाई, राम राम, बाय बाय। फर्स्ट टाइम आई एम ऑन मोटरवे, तो मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है, मजा भी आ रहा है, और कितनी सुकून की गाड़ी चलती है यार यहाँ पे। तुम्हें पता है यहाँ गाड़ी कितनी स्पीड में चलाते हैं? हाँ डेफिनेटली, मैं भाई सफर तो करता ही रहा हूँ, 4 साल सफर किया, 120 की स्पीड में चलानी है मैंने, तो मतलब कम चला सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकते। कम भी ज्यादा नहीं चला सकते? नहीं कम कर सकते, वो फिर लाइन लाइन चेंज करनी पड़ती है। आप ये जिस लाइन में जा रहे हैं इसमें हम स्लो चला सकते हैं, इसमें 120 की स्पीड होती है। हाँ वो जो पहली लाइन है ना उसमें क्रॉस करना, उसमें 140 तक जाती है। 140 से ऊपर चलान होता है। 140 से ऊपर चलान होना है। हम जा रहे हैं ना, अभी मैं 100 पे चला गया हूँ, अभी 120 पे भी जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अम्मा जो है ना सारे रस्ते टेंशन। आप अम्मा जी पीछे लेट जाए, आराम से सो जाए। हम 2 बैठे हैं ना आगे, हम ले जाएंगे आपको। हमने ना तकरीबन आधा सफर कर लिया है, फैसलाबाद हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइव जा रही है, कोई मसला नहीं। अम्मा से पूछ लो कि अम्मा को शक शुबात है तो वो खत्म कर दो, मोटरवे का पहला एक्सपीरियंस है ना तो रिव्यू ले लेने चाहिए अम्मा से। हाँ जी अम्मा जी, कैसी चल रही है? हम ना काफी टाइम से ट्रैवल तो कर रहे हैं, पता नहीं वो एक सर्विस एरिया आता है जहाँ पे ना थोड़ा मतलब रिफ्रेश हो जाता है, वो कितना दूर है फैसलाबाद से, कोई पता है आइडिया? बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर तक यार, थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, तो मैं ना थोड़ा सा हल्का भी हो लूंगा और कुछ खा पी भी लेंगे। आपको पता है चाय के बगैर ड्राइविंग ना, ड्राइवर के लिए ड्राइव करना ना समझ ले जिंदगी मौत का मसला होता है, तो चाय पी लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे का सफर करेंगे। फाइनली हम ना एक रेस्ट एरिया पे पहुंच गए, ये और स्टार्ट करने ना पहले ही उड़ारी मार के ना उधर बाहर आके खड़ा हो यार, इधर से कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये से। मुझे कनाडा क्यों याद आ रहा है? ऐसे ही बादल मैंने देखे हैं। क्या फिर यहाँ से चाय भी नहीं, ये कुछ खाना चाय या घर से आके भाई लाकर तो रेसिपियां बना रहे हो? सोनलवा उठा लिया है? मैं सोनलवा था। हाँ ये चाय, चल वो ये ले चाबी ले, उठा के ले यार। ताकत अभी वॉशरूम गया है, मैंने भी जाना है अभी, लेकिन इधर जो है ना अम्मा ना बड़ा व्यू कर रही है खड़ी होके ना। कौन से वो वाले जो खड़े? और ये बहुत मुश्किल से होते हैं, ये ना ज़्यादातर होते हैं पहाड़ी इलाकों में। अच्छा। हमारी जगह पे ना ये बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन इनको ना होने में बहुत टाइम लगता है, सरू कहते हैं इनको। अच्छा। हाँ आ जा यार, सारे साल की बूटी तूने आज ही कर दी है ये पकड़। हाथ धोने ना चला जाए। सच्चा
मैंने 5 साल सफर किया है, ठीक है ना, तो मुझे ना सिखा। मैंने भी 5-6 साल किया है। हो आए कैसा लग रहा हूँ जरूर बताइएगा यार, मैं तेरे थ्रू सुन तो मैं भी किसी से। गजरेला जो हम लेके आए थे ना वो हमने करवा लिया गरम, और अम्मा भी इधर से देख रही है, इधर से सदाकत देख रहा है और इधर से मैं देख रहा हूँ। हाँ जी मैं देख रही हूँ, नहीं दी उन्होंने पैसे ना लेने, नहीं खरीद की तो उन्होंने चमची नहीं दी, कोई शौर तो होना चाहिए। यही चीज तो मैं पढ़ाई सिखाती है कि बंदे को ना शौर आ जाता है कि किस तरह से किसको सर्व करना है। चलो सोने तेरी जो दंदियाँ निकल रही है अब इस तरह से खाओ ना, ये देखो तो पैसे दो ना उनको ले आएंगे, चम्मच के भी पैसे दें अपने। हाँ। और क्या, अब उनसे चाय नहीं पी रहे, फ्राइज नहीं खा रहे, नहीं हम खा लेते हैं, गुस्सा जाने दे, भूख लगी है। अच्छा जी हमने ना चम्मच मंगवा ली है फाइनली ना, उनको कहा कि ना आज दे दें, आज के बाद ना देना, तो वो भाई लेके आ गया खुद ही। अभी हम ना सर्विस एरिया बैठे हैं और सदाकत को ना शादी के दौरे पड़ गए, मैंने रोना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो चाय का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक चाय नहीं आई, क्या मसला है? मैं नहीं बताऊंगा। वो आ गई हैं, ले जी हमारी ना ये फ्राइज आ गई हैं, ये लार्ज फ्राइज हैं, देख कितनी लार्ज है। यार ये कौन सा फ्राइज चिकन, रियल वाला या नाम का? लाहौर वाला। लाहौर वाला, अच्छा ये लाहौर वाला फ्राइज चिकन है। तो हमारे ना फ्राइज प्लस चाय और गजरेला माल रेडी खा चुके हैं, तो चाय पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। चाय चीनी बिल्कुल नहीं मिक्स, नहीं कोई मिक्स। अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत ना चाय बनाते हुए, और क्या क्या डब्बे वाली है। हाँ तो ये डब्बे वाली होती है, कौन सी अम्मा चौके दे। चलें जी जैसी भी है, चाय तो है ना, ये याद रखें कि चाय है। आपको रिव्यू दे देता हूँ, इन्होंने कोई नहीं देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम है। गरम ही है बिल्कुल, पतली यख पतली जो होती है ना जिसे कहते हैं, वो वाली है चाय। हमारा तो टेस्ट इसके साथ मैच ही नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बहरहाल गर्म गर्म करके इसको पीते हैं, साथ में थोड़ी सी फ्राइज इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो चाय शाय सब कुछ हमने कर लिया जी फिनिश, अभी हमने बिल पे करना, चल सागर जा बिल पे कर गया। इधर से जो व्यू आ रहा है ना सामने, बादलों में छुपा हुआ है सूरज और इतना प्यारा लग रहा है ना, तेरा तू बिल्कुल कालो हो गया है। रियलिटी दिखा रहा है, और इधर जो व्यू है ना वो हो अखीर वाला यार। तो यार ना भूख सारी हो गई है ख़त्म हमारी, मतलब ना फजूल वाला सीन ही था इधर। अभी सोच रहे हैं कि आगे एक और आता है क्या कहते हैं रेस्ट एरिया, वहाँ पर ना मतलब वो मैकडोनल्ड्स वगैरह चिप्स। बिल कितने हुआ भाई? 420 रुपीज़ भाई जान, हमारा बिल बन गया है। तो थैंक यू सो मच सर, ये बकाया पैसे ला दीजिएगा। तो अभी ना हम आगे निकलते हैं, कोई आगे मैकडोनल्ड्स वगैरह मेरे ख्याल में आता है वहाँ से कुछ खा लेंगे, यहाँ वाला तो एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा। हम ना समझे, मैं लास्ट टाइम भैयाकत के साथ आया था ना, तो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह भी थे, लेकिन इस साइड पे नहीं है, शायद दूसरी साइड पर हूँ, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं। अम्मा तो कहती हैं ये वाला सर्विस एरिया ही नहीं था, ऐसे ही है मुझे। तो आगे देखते हैं जाके क्या बनता है, बाकी फ़िलहाल ना अभी की वीडियो करते हैं ख़त्म। आज का ये लाहौर का हमारा एक्सपीरियंस बड़ा, ड्राइविंग का तो बहुत मज़े करा, मुझे ड्राइविंग मेरी ठीक जा रही थी ना, गुड। तो हाँ जी, तो ये वीडियो इसलिए यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि वीडियो हो जानी है लंबी, तो पार्ट टू में हम जा रहे हैं लाहौर समझ लें, और आगे मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। एक बंदा काला सा ऐसे करता है हमारी गाड़ी ये।